हम कक्षा 12वीं में अध्याय 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कि इतिवृत्त जो सुशासक थे और इतिवृत्त वह है जिसके अंतर्गत लोगों ने उसमें लेख संरक्षित किया है, जो ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना में हम देखेंगे मुगल काल के समय मुख्य रूप से 1526 ईस्वी में 1707 तक माना जाता है, जिसमें मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता शासन के द्वारा नियुक्त मानते थे। फिर अत्यधिक राजनीतिक परिस्थितियों के कारण कार्य सदैव सीमाबद्ध होता था, और जो इस दृष्टि से प्रचार प्रसार में राजवंशी इतिहास में लेखकों के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जो संरक्षित करने का प्रयास किया गया था, जैसे मुगल राजाओं के दरबारी इतिहासकारों के विवरण का कार्य सौंपा गया था और बहुत सी घटनाओं का लेखा जोखा भी दिया हुआ होता है, और इस तरह से शासन क्षेत्र में ढेरों जानकारियाँ अस्वाने एकत्रित हो जाती हैं। फिर हम देखेंगे मुगलकालीन इतिहास को जानने के स्रोत। मुगलकालीन इतिहास के हम किस तरह से जान सकते हैं, जैसे ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत जो उन्होंने किताबें लिखी है, जैसे तारीख़ रसीदी है, हबीब है, उसियार है, हुमायूं है, तारीख़ हुमायूं है, अकबरनामा है, आईने अकबरी, इस तरह से ये सारे जो बादशाहनामा शाहजहाँनामा इनके अंतर्गत राजाओं के द्वारा किए गए कार्य और उनके द्वारा जो बहुत सारे कार्य किए जाते थे, युद्ध लड़े जाते थे, उनकी पूरी जो उसमें लिखी हुई मिल जाती है। फिर आत्मकथा और संस्मरण। आत्मकथाएं वो है जो उनकी जीवनी से शुरू से लेकर आखिरी तक उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कितने समय तक शासन किया, ये सारी चीज़ें जो आत्मकथाएं और संस्मरण के अंतर्गत लिखी जाती है। फिर फरमान, इंपीरियल फरमान जो दस्तूर उल अमल, मतलब इस तरह से भी कुछ लेख हैं। फिर पत्र हैं, फिर धार्मिक साहित्य हैं, संस्कृत साहित्य हैं, यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण में जो विदेशी यात्री जो हमारे यहाँ देश में आए और गए और उनके राज्य में उन्होंने जो चीज़ अनुभव किया, जो देखा, वो यात्रा विवरण में उन लोग लिखते हैं। फिर है अभिलेख है, मुद्राएं हैं, चित्रकारी है, वास्तुकला है, स्थापत्य कला है, स्मारिका है। जिस तरह से हमने आप लोगों को पहले भी बताया कि इतिहास की जानकारी के लिए ये सारे जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, इनके माध्यम से ही हम इतिहास को एक कल्पना करते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, उसके बाद जो बीता हुआ चीज़ है वह हम इससे अनुमान ही लगाते हैं, क्योंकि उसके हम चश्मदीद गवाह नहीं होते हैं। तो इसी तरह से मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य, जो मुग़ल जो थे उनकी उत्पत्ति जो है मंगोल से हुआ है, और आज मध्यकालीन भव्य साम्राज्य जो है मुग़ल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है, और राजवंश के जो शासक हैं स्वयं के लिए नाम यही चुना और स्वयं तैमूरी कहा, और इस पितृपक्ष के तुर्कों के साथ तैमूर वंशज जो थे वे मुग़ल शासक बाबर के मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था। बाबर तुर्की बोलता था और बाबर जो बर्बर गिरोह मानकर मंगोलों का उपहास करता था। इस तरह से 16वीं शताब्दी में जो यूरोपीय एक शाखा जो थी शासकों का वर्णन करते हुए मुग़ल शब्द का प्रयोग किया, और साथ ही साथ निरंतर प्रयोग होता रहा, और इस तरह से जंगल बुक का युवा नामक मुगली का नाम भी इसी से उत्पन्न हुआ है। फिर है मुग़ल शासक के प्रमुख शासक। मुग़ल साम्राज्य के जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन थे, जैसे मुग़लों का स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रिता। सबसे पहले बाबर यहाँ आया, जो बाबर जो थे वो जरीरुद्दीन जो बाबर जो था उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगाना था, जिसमें ये 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया और संसाधनों में खोज की, और इस तरह से 1520 से 1524 तक बाबर ने भारत पर 4 आक्रमण किए और 1526 ईस्वी अभियान में सफल रहा। इस प्रकार से भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद फिर हुमायूं, बाबर का उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया और अफगान नेता शेरशाह सूरी ने पराजित किया। इसी तरह से 1555 में हुमायूं सूरों को पराजित किया और दिल्ली सिंहासन पर आसीन हुआ, किंतु एक वर्ष बाद 27 जनवरी 1556 को उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद है अकबर। अकबर और जहांगीर जो है ये बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए थे। हुमायूं का उत्तराधिकारी जलालुद्दीन अकबर था, जिसे मुग़ल बादशाहों का महानतम माना जाता है, और अकबर ने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया, और अकबर जो था हिंदू कुछ पर्वत पर भी अपने राज्य का विस्तार जो है सफल रहा। इस तरह से इनका साम्राज्य विस्तार की योजना करने लगी, मतलब अकबर ने प्राय पूरे भारत में इन्होंने शासन किया था। फिर है जहांगीर।
जहांगीर ने 1605 में शासन संभाला और शासनकाल के दौरान जहांगीर ने बंगाल, मेवाड़, कांगड़ा, किश्तगढ़, कंधार जैसे कई राज्यों में भी इन्होंने विजय प्राप्त की और इस तरह से मुगल इतिहास के कला प्रेमी विलास प्रिय शासक के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिर उसके बाद है शाहजहाँ। शाहजहाँ जो थे इन्हें विरासत में भारत का मध्य क्षेत्र का बड़ा भूभाग इनको प्राप्त हुआ था और इन्होंने भी तिब्बत, असम, कुमायूं, गढ़वाल जैसे कई क्षेत्रों में विजय प्राप्त किया और क्षेत्रीय विस्तार में भी काफ़ी गति इस समय धीमी हो गई थी। फिर है औरंगजेब। औरंगजेब को भी मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली सम्राट माना जाता है। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया और दुर्भाग्यवश इन वर्षों में औरंगजेब केवल युद्धों में व्यस्त रहा और मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वह धीमी पड़ गई और मुगल साम्राज्य की शक्ति जो है क्षीण होती चली गई। फिर हम मुगल साम्राज्य का पतन। 16वीं-17वीं शताब्दियों के दौरान मुगल साम्राज्य की शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण जो हुआ था, मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार जो था और इस तरह से राजनीतिक संबंध बनते थे, साथ ही श्रेणियाँ जो राजनीतिक स्तर पर जो परिभाषित की जाती थी 17वीं शताब्दी अनवरत जारी रहीं। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत राजवंश की शक्ति जो है घटती चली गई, जिससे दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे अन्य जो राजधानी नगर थे वह एक नियंत्रित विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह शक्तियों ने अपनी स्वायत्तता अर्जित कर ली थी। इस तरह से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी बनी रही, लेकिन 1857 के मुगल वंश के अंतिम शासक जो बहादुर शाह द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था। फिर है इतिवृत्तों की रचना, महत्व एवं लेखक। इतिवृत्त जो थे मुगल बादशाहों द्वारा तैयार करवाए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उनके दरबार के अध्ययन की एक प्रमुख स्रोत है। जिस तरह से हमने बताया कि इतिवृत्त वह है जिसमें कि उनके द्वारा जो कार्य किए गए, क्या किया, कैसे किया, वह सारी चीज़ जो है वह इतिवृत्त या उनके जो संस्मरण है या लेखन है उसमें सारी चीज़ें ये पाई जाती हैं। फिर इसमें जो है इतिवृत्त के अंतर्गत जो आने वाले साम्राज्य के अंदर विशेषताओं परिचित कराने के उद्देश्य से ये लिखे गए थे। जिस तरह से हमने आपको बताया कि जिस राज्य या जिस राजा के दरबार में जो लेखक थे वह सिर्फ उनके बारे में ही लिखते थे। इतिवृत्त का एक अन्य उद्देश्य यह भी था कि मुगल शासन का विरोध करने वाले विद्रोहियों को यह बताना था कि विद्रोहों का असफल होना नियत। शासक यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि साम्राज्य एवं दरबार संबंधी विवरण आने वाली पीढ़ियों के अध्ययन के लिए उपलब्ध रहे। मतलब जो चीज़ हम अभी इतिहास के रूप में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये इतिहास जो है वह बीता हुआ कल है, उसको हमने अपनी आँखों से नहीं देखा, लेकिन ये लेखक के माध्यम से, विदेशी यात्रियों के माध्यम से जो उन्होंने लिखा, संस्मरण जो हमें प्राप्त हुए उससे हम यह अनुमान लगा लेते हैं और उसका अनुमान लगाकर उसे हम आगे पढ़ते हैं। फिर है इतिवृत्तियों की भाषा, तुर्की से फारसी की ओर। मुगल दरबार में जो इतिहास प्रायः फारसी भाषा में लिखे गए थे और सल्तनत काल में उत्तर भारतीय भाषा की विशेषता हिंदी और इसकी क्षेत्रीय भाषा फारसी दरबार और साहित्य रचनाओं की मुख्य भाषा थी, जिसमें मुगल चगताई जो मूल थे इस तरह से इनकी तुर्की जो उनकी मातृभाषा थी। फिर पांडुलिपियों की भी उस समय रचना हुई। मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में थी, अर्थात ये पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी और पांडुलिपि की रचनाओं का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था, जिसमें दरअसल एक लिपिघर होता था, अर्थात जहाँ एक ऐसा स्थान था जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था और नई पांडुलिपियों की रचना भी की जाती थी। मतलब एक जगह बैठ कर वे क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, इस तरह से शाही किताब खाना भी हुआ करता था। फिर है लेखन शैली। लेखन शैली में सुलेखन और हाथ से लिखने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, जिनकी भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थीं। आप लोग कभी कभी पुराने लेख यदि आप देखेंगे, कहीं संग्रहालय में आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें कई बार जैसे ताम्रपत्र मिलते हैं तो रखे हुए हैं, तो वह जब हम देखेंगे तो उसमें उनकी जो लिखने की शैली है उससे ये समझ में आती है कि पसंदीदा शैली जो नस्तलिख थी, यह एक तरल शैली थी जिसमें लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था, लेकिन 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे इनसे कलम कहा जाता है और ये टुकड़े में से स्याही में डुबोकर लिखा जाता है। सामान्यतः ये कलम की नोक के बीच छोटा सा चीरा लगा दिया जाता था जिससे आसानी से स्याही सूख लेता था और उससे हम लिख सकते थे। जैसे कि पहले स्याही वाला पेन चलता था तो उसमें निब होता था, उसमें बीच से चिरा हुआ आप लोग देखेंगे तो उससे वह स्याही आसानी से सोख लेता है। फिर रंगीन चित्र। मुगलकालीन पांडुलिपियों में निर्माण में चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। मुगल बादशाह के शासनकाल में जिन घटनाओं का वर्णन पांडुलिपियों में लिखित रूप में किया जाता है, वही घटनाएं चित्रों के माध्यम से भी चित्र के रूप में उस समय वर्णित किए जाते थे।
जिससे कि उस समय की घटना, उस समय के जिस विषय का दृश्य है उस रूप में उसको वर्णित किया जा सके। जब लेखन किया जाता था या सुलेख किया जाता था उस समय आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ दिया जाता था, जिससे कि उससे संबंधित चित्र को वहाँ पर बनाकर या खाली जगह के स्थान पर उसको संलग्न कर सकते थे। ये चित्र जो होते थे छोटे होते थे, जिससे कि पांडुलिपियों में आसानी से उनको संलग्न किया जाए। जैसे जैसे आप लोग पुरानी किताबें देखेंगे, रामायण देखेंगे या फिर कुछ किताबें हम जब देखते हैं अपने इतिहास के इसमें भी देखेंगे, तो साइड में छोटे छोटे से चित्र जो बने हुए होते हैं, मतलब इस तरह से हम उनको संलग्न कर सकते थे। फिर है सौंदर्य में वृद्धि करने वाले साधन, जो साथ साथ राजा, राजा की शक्ति से संबंध, उस विचारों का संप्रेषण एक सशक्त माध्यम माना जाता है, जिसमें इतिहासकार अबुल फजल ने भी चित्रकारी का वर्णन जादुई कला के रूप में किया था। इसके अनुसार चित्रकला किसी निर्जीव वस्तु को भी सजीव प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब चित्रकला के माध्यम से ही हम किसी भी चीज़ को और भी प्रभावित कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। फिर है अकबरनामा और बादशाहनामा। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सबसे प्रमुख किताब है अकबरनामा और बादशाहनामा, जिसमें राजा का इतिहास है और प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे दोहरे पृष्ठों पर लगाई गई घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। उसी तरह से अबुल फजल ने अकबरनामा के ये लेखक हैं और इन्होंने जो है जिनका पालन पोषण मुगल राज दरबारी आगरा में हुआ था और ये अरबी, फारसी, यूनानी, दर्शन, सूफीवाद के पर्याप्त निपुण थे, मतलब ये उनके साथ शुरू से थे, वे सारी चीज़ें जानते थे, उनको देखते थे। इससे सबसे अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक थे और दकियानूसी उलमा के विचारों का भी विरोध करते थे, और इन्हीं गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ करते थे। और अबुल फजल का पूरा नाम जो था अबुल फजल इन मुबारक था, मतलब अबुल फजल जो थे वह प्रभावशाली विवादी और स्वतंत्र चिंतक, मतलब वो जो अच्छा होता तो उसे अच्छा बोलते थे, जो बुरा होता तो उसे बुरा बोलते थे। इस तरह से अकबर भी उनकी भावनाओं से प्रभावित हुए थे। फिर बादशाहनामा का निर्माण, अबुल फजल जो है एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इनकी योग्यताओं के बारे में सुनकर मुगल बादशाह शाहजहां ने भी अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। जिस तरह से अकबरनामा लिखा गया उसी तरह से बादशाहनामा भी एक सरकारी इतिहास है, जिसमें बादशाहनामा के 3 जिल्दें हैं, जिससे प्रत्येक जिल्द में 10-15 वर्षों का विवरण होता था। इस तरह से शाहजहां ने वजीर सादत खान से सुधार किया और शारीरिक अक्षमताओं के कारण लाहौरी तीसरा दशक नहीं लिख सका, जिससे कि बाद में इतिहासकार जो है वारिस ने उसे पूर्ण किया था। सुलह-ए-कुल क्या है? एकीकरण का एक स्त्रोत। सुलह-ए-कुल से ही समझ में आ रहा है कि हम सब आपस में मिलजुल कर एक साथ कैसे रहना है, जिसमें ये बताया गया है कि हिंदू, जैन, जरतुस, मुसलमान जैसे भिन्न भिन्न निर्जातीय धार्मिक समुदाय समाविष्ट थे, जिसमें शांति और स्थापित के रूप में बादशाह इन सभी धर्मों को निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था और इसी बीच मध्यस्थता भी करता था। इसीलिए अबुल फजल ने सुलह-ए-कुल मतलब पूर्ण शांति इस आदर्श को एक प्रबुद्ध शासक की आधारशिला बनाया और सुलह-ए-कुल के सभी धर्मों के मतों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने दी, और साथ ही साथ केवल एक ही शर्त लगी कि राज सत्ता को क्षति नहीं पहुँचाएंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। इसीलिए कहा गया कि सुलह-ए-कुल मतलब आपस में हम किसी तरह से नहीं लड़ेंगे और राज सत्ता को हम क्षति नहीं पहुँचाएंगे। फिर सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता। अबुल फजल ने प्रभु सत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया। उसके अनुसार बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है, जैसे जीवन है, धन है, सम्मान है, विश्वास है, और उसके बदले में आज्ञा पालन और संसाधनों के हिस्सों से की भी मांग कर सकता है। इससे न्यायपूर्ण संप्रभुत्व ही इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। इस तरह से जो व्यक्ति थे बादशाह अपनी प्रजा के 4 तत्वों की रक्षा, जैसे जीवन की रक्षा करना है, उनके धन की रक्षा करना है, सम्मान की रक्षा करना है, विश्वास, यदि वह गरीब है, दीन है, तो उसके बदले उसको आज्ञा पालन और संसाधनों के हिस्से की उसको मांग मतलब उसकी पूर्ति करें ताकि उसकी दीनता को कम किया जा सके। फिर राजधानियाँ और दरबार। मुगल साम्राज्य की राजधानियाँ, मुगल साम्राज्य हृदय स्थल उसकी राजधानी को माना जाता है, जिसमें मुगल दरबार लगता है कि 16वीं-17वीं शताब्दी के दौरान मुगलों की जो राजधानियाँ बहुत तेज़ी से स्थानांतरित होने लगी थी, जिसके ये कारण है मुगल दरबार। मुगल दरबार में जो था उसे प्रायः शासक पर ही केंद्रित होता था और भौतिक व्यवस्था जो है शासक के अस्तित्व को समाज के हृदय के रूप में प्रदर्शित करती थी, जिसमें सिंहासन जो था तथा तखत था उससे संयुक्त कार्यों भौतिक रूप से प्रदान किया गया था।
इस स्तंभ को धरती आधार सहस्रवादियों और राजतंत्र का प्रतीक रही छतरी को भी शासक क्रांति के सूर्य की क्रांति के प्रतीक के रूप में उसको माना जाने लगा था। मुगल दरबार जो आप लोग देखते होंगे, नाटकों में भी देखते होंगे, उसमें तो जो सिंहासन होता है राजा का वह किस तरह से होता है। फिर है शाही परिवार। शाही परिवार के अंतर्गत हम देखेंगे हरम व्यवस्था। हरम व्यवस्था, हरम से समझ में आता है कि महिलाओं के रहने का स्थान या वहाँ पर वे एक साथ रहती हैं। तो इसमें हरम का मतलब भी यहाँ पर सबसे पहले मुस्लिम शासकों के द्वारा राजभवन में हरम की व्यवस्था की जाती थी। हरम शब्द का प्रायः मुगलों के परिवार को दर्शाने के लिए किया जाता है। हरम फारसी शब्द मात्र जिसका तात्पर्य है पवित्र स्थान। हरम और मुगल परिवार में बादशाह की पत्नियाँ और उपपत्नियाँ, उनके नज़दीकी दूर के रिश्तेदारों जैसे माता, सौतेली, उपमाताएँ, बहन, पुत्री, चाची, मौसी, बच्चे आदि, ये सब महिलाएँ जो हरम में रहती, मतलब महिलाएँ वहाँ पर, महिला का सम्मान प्राप्त था। बाद में शासक प्रथम पत्नी के विशेष स्थान भी वहाँ पर देने लगा था। फिर है वैवाहिक संबंध। शासक वर्ग में बहुविवाह प्रथा विशेष रूप से प्रचलित थी, जिसमें राजपूतों एवं मुगलों दोनों के लिए विवाह राजनीतिक संबंध भी मैत्री संबंधी स्थापित करने का एक तरीका था, जिसमें विवाह में पुत्री के साथ साथ प्रायः एक क्षेत्र के उपहार में भी दे दिया जाता था। इसके फलस्वरूप संबंधों के कारण मुगल ही व्यापक राजनीतिक तंत्र निर्माण किया और साथ में माध्यम मुगल साम्राज्य राज्यों को भी इसमें जोड़ा गया था। फिर शाही नौकरशाही। शाही नौकरशाही कौन होते थे? अभिजात वर्ग के होते थे और बहुत से अधिकारी वर्ग जो होते थे जो उच्च स्तर प्राप्त करते थे। अभिजात वर्ग मुगल समय महत्वपूर्ण स्तंभ अधिकारियों का एक दल होता था, जिसको कि सामूहिक रूप से उसे अभिजात वर्ग भी कहते थे। अभिजात वर्ग में भर्ती विभिन्न जातीय व धार्मिक समूह से होती थी। ऐसा किया जाता था कि ताकि अभिजात वर्ग कोई भी दल इतना बड़ा ना हो जाए कि वह राज की सत्ता को चुनौती दे सके। इसीलिए अधिकारी वर्ग को एक गुलदस्ते के रूप में वर्णित किया जाता था, जो वफादारी से बादशाह के साथ भी हमेशा जुड़े रहते थे। मतलब सिर्फ एक वर्ग को ही महत्व नहीं दिया जाता था, इसमें सभी वर्ग के लोगों को महत्व दिया जाता था और उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य भी दिया जाता है। इसलिए कहा गया है कि एक गुलदस्ते के रूप में ये वर्णित किया जाता है। फिर है अधिकारियों के पद। ईरानियों को उच्च पद प्राप्त होते थे और जिसमें जहांगीर की रानी नूरजहां को राजनीतिक रूप से काफ़ी प्रभावशाली रही, वही ईरानी थी। और फिर औरंगजेब ने राजपूतों को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया। फिर भी शासन में मराठी अधिकारी अच्छी खासी संख्या में थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस समय अधिकारी पद और जहांगीर उस समय जो राजा थे वह हिंदू रानियों को भी रखते थे, उनको महत्व देते थे। इसके साथ साथ अधिकारियों के दर्जे में पदों में दो प्रकार की संख्या विषयक औहदे होते थे, जिसमें जात जो शाही पदानुक्रम अधिकारी के पद पर वेतन सूचक था और सवार जो एक सूचित करता है कि उनकी सेवा में कितने घुड़सवार अथवा उपेक्षित हैं, और एक हजार या उससे ऊपर जात जो मनसबदार अभिजात उम्रा जो अमीर का बहुवचन कहा जाता है। फिर सीमाओं से परे। इतिवृत्त के लेखकों द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा धारण किए कई पदवियां थीं जिसको सूचीबद्ध किया गया है, जैसे शहंशाह, राजाओं का राजा, सामान्य पदवियां जैसे जहांगीर, विश्व पर कब्जा करने वाला, फिर शाहजहां, विश्व का राजा, जैसे अलग अलग राजाओं द्वारा धारण किए खास पदवियां शामिल थीं, जिसमें पदवियां मुगल बादशाह जो होते थे वे अविजित क्षेत्रीय और राजनीतिक नियंत्रण को दर्शाने के साथ साथ उनके पड़ोसी राजनयिक शक्तियों को भी राजनीतिक संबंधों और संघर्षों का विवरण करते थे। मतलब ये सीमाओं से परे था, क्योंकि वह सब जगह अपने युद्ध करते थे, विजय होते थे और राज्य को अपने में शामिल कर देते थे। फिर उसके बाद है औपचारिक धर्म पर प्रश्न। अकबर ने जब सुएज शिष्टमंडल के सदस्यों के प्रति उच्च आदर प्रदर्शित किया, उसमें बहुत अधिक प्रभावित भी हुए और बादशाह अकबर द्वारा ईसाई के सिद्धांतों में अपनी स्पष्ट दिलचस्पी प्रदर्शित की, जिसकी व्याख्या जो है शिष्टमंडल ने बादशाह के धर्म परिवर्तन के संकेत के रूप में की। और मानसेरट ने भी टिप्पणी की कि राजा ने इस बात की बहुत कम परवाह की कि सभी धर्म के अनुपालन की अनुमति लेकर उनके वास्तव में सबका तिरस्कार किया है। मतलब इस तरह से उन्होंने नहीं किया, सभी धर्म को सर्वधर्म के रूप में उन्होंने लिया। फिर इसके बाद है गृह कार्य। मुगल इतिवृत्त किस प्रकार मुगल इतिहास को जानने महत्वपूर्ण स्रोत हैं? मुगल काल में पांडुलिपियों की रचना किस प्रकार की जाती है? बादशाहनामा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अकबर का धार्मिक विचार किस प्रकार परिपक्व हुए? और फिर मुगल कौन थे? मुगलों की राजनीतिक इतिहास का वर्णन कीजिए। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं की स्थितियों का वर्णन कीजिए।